अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीसीयू 3.1 चैप्टर 2 टर्म्स एंड डेफिनेशन की डिस्कस करेंगे। तो ये पेज 2 वर्ड प्रिपरेशन है, इसको 2.4 से 2.6 तक हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो हमने 2.1 से 2.3 तक उसको जो है कवर किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When welding, we need to fully fuse the entire width of the faces of the both members. वो ये कह रहा है कि जब हम welding करते हैं तो दोनों प्लेट या members को उसके जो faces को मुकम्मल तौर पर fuse करना होता है। Mostly, we need to prepare or remove metal from the joint to allow access for the process. तो इसके लिए joint से metal को remove किया जाता है ताकि हमारा जो welding process है, इलेक्ट्रोड है या ब्लो पाइप की, जो दोनों फेसेस को फ्यूज करने के लिए एक्सेस हो सके। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर फुल फ्यूजन ऑफ द फेसेस, ग्राइंडिंग, फ्लेम आर कटिंग और मशीनिंग फॉर दिस ऑपरेशन, बट ग्राइंडिंग बेक 1 or 2 mm में बी रिक्वायर आफ्टर फ्लेम आर कटिंग। वो ये कह रहा है कि मेटल को रिमूव करने के लिए ग्राइंडिंग, फ्लेम आर कटिंग या मशीनिंग से प्रिपरेशन की जाती है, और अगर फ्लेम या आर कटिंग से इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए 1 or 2 mm बैक ग्राइंडिंग या क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग रह जाती है, उसमें जो प्योरिटी होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसकी क्लीनिंग, फिटअप से पहले उसकी क्लीनिंग करना होती है, तो ये 1 or 2 mm उसको ग्राइंड करना पड़ता है। तो इसके लिए जो फॉर एग्जांपल ये हमारी फुली तौर पर इसकी प्रिपरेशन हुई है, तो उसको जो है ये इसका जो रूट फेस का नाम दिया हुआ है इसका, और इसका ये जो बेवल एंगल है, ये वन प्लेट का जो एक पार्ट का जो बेवल एंगल यहाँ से ये स्ट्रेट पोर्शन में बनाया हुआ है, और इसी तरीके से ये दूसरी प्लेट है, तो इसको अगर दोनों को साथ में मेंशन करें तो इसको इंक्लूडेड एंगल कहेंगे। और इसी तरीके से इसका जो ये दोनों पैरेंट्स मेटल के दौरान जो थोड़ा गैप है, डिस्टेंस है, इसको रूट गैप कहेंगे। और इसी तरह ये जो है, जैसे जे है या यू प्रिपरेशन अगर की हुई है तो उसमें ये जो कर्व बनी हुई होती है इसको रूट रेडियस कहेंगे, और ये जो कुछ स्ट्रेट पोर्शन है इसको रूट लैंडिंग होगी, तो ये जो है बिटवीन ये होगा रूट गैप। The purpose of a valve's preparation is to allow access for the welding process, penetration and fusion through the complete area of the joint and its faces. वो ये कह रहा है कि weld preparation का मकसद ये होता है कि welding process की आसानी से access हो सके और joint के दोनों faces मुकम्मल तौर पर fuse और metal आसानी से penetrate हो सके। The function of the root gap is allowed to penetration. The function of the root gap is to allow penetration. और root gap का जो function है कि root penetrator, root जो है उसकी penetrate हो सके, उसकी penetration जो है protrude हो सके। The function of the root face is to remove excess heat as act as a heat sink. और root face का जो function है कि जितनी भी जो आर्क एनर्जी वेल्डिंग थर्मल हीटिंग प्रोसेस से जो प्रोड्यूस हुई होती है उसको जज्ब करना होता है। यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। द हायर द आर्क एनर्जी ऑफ द प्रोसेस देन जनरली द वाइडर इज द रूट फेस। और जितनी वेल्डिंग प्रोसेस की आर्क एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही रूट फेस थिकर होगा। द सिंपली रूल इज दिस, The more taken out, then the more must be replaced. आमतौर पर यह कहा जाता है कि जितना जो है मेटल निकाला जाता है उतना ही उसमें डिपॉजिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है 2.4 जो पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो साथ ही हम इसके ज्वाइंट करते हैं नेक्स्ट पेज, सिंगल साइडेड बट वेल्ड प्रिपरेशन। तो सिंगल बेवल में एक प्लेट को जो है एक मेंबर्स को स्मूथ उसको रहने दिया गया है, इसको बिल्कुल ग्राइंड नहीं हुआ,
और दूसरी प्लेट को बेवल लगा दी गई है। तो ये जो दूसरा इसका जो है पार्ट है, इसको यहाँ पे बेवल लगा दी गई है। तो इसी तरह इस सिंगल बेवल, इसको बट ज्वाइंट कहते हैं, इसको सिंगल बेवल बट ज्वाइंट कहते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये दूसरा है सिंगल वी। तो सिंगल वी में क्या किया है इन्होंने कि दोनों तरफ इसकी दोनों पार्ट्स को बेवल लगाई हुई है। तो फाइनली इसकी जो शेप है इसी तरीके से इसकी वी की शेप बनी हुई है। इसमें जो है दोनों मेंबर्स को बेवल लगाते हैं, तो इसके बाद इसकी जो सिंगल वी की तकरीबन शेप बन जाती है। तो इसे सिंगल वी बट ज्वाइंट कहते हैं। तो नेक्स्ट अभी हमारा सिंगल जे। तो सिंगल जे में एक प्लेट को स्मूथली और दूसरी साइड पे इसी तरह जो नज़र आ रहा है इसकी प्रीपरेशन की जाती है। यहाँ पे इसको देखें, बिल्कुल इसको टच नहीं किया, तो दूसरी साइड पे इसको जो है जे प्रीपरेशन की हुई है, बिल्कुल जे की शक्ल का है। तो इसको जो है सिंगल जे बट ज्वाइंट प्रीपरेशन कहेंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है, तो सिंगल यू में दोनों पार्ट्स को जो है वो उन्होंने प्रीपरेशन किया हुआ है, तो इसको जो है सिंगल यू बट ज्वाइंट प्रीपरेशन कहेंगे। तो ये लाइन अभी शुरू कर रहे हैं, सिंगल साइडेड प्रीपरेशन आर नॉर्मली मेड ऑन थिनर मटेरियल आर व्हेन एक्सेस फ्रॉम बोथ साइड इज रिस्ट्रिक्टेड। वो ये कह रहा है कि सिंगल साइड प्रीपरेशन आमतौर पर थिनर मटेरियल पर लगाई जाती है, जो बिल्कुल जिनकी थिकनेस कम होती है उन पे ये सिंगल बेवल जो है लगाई जाती है, या फिर दोनों साइड पे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब द सिलेक्शन में भी आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द कैपेबिलिटी ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस, या जैसे वेल्डिंग प्रोसेस में कैपेबिलिटी ना हो, जैसे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, तो क्योंकि वो ज़्यादातर उसको फ्लैट पोजीशन में 1G पोजीशन में उसे यूज़ किया जाता है, तो उसको वेल्डिंग पोजीशन जो है वो अलाउ नहीं है उस पर। तो इसी तरीके से एंड द पोजीशन ऑफ द जॉइंट, या फिर अगर हमारे पास कोई जॉइंट की पोजीशन है, या फिर आर द पोजिशनल कैपेबिलिटी ऑफ द अवेलेबल वेल्डिंग कंज्यूमेबल, या फिर हमारे पास अगर वेल्डिंग कंज्यूमेबल है तो उनमें पोजिशनल पे वेल्डिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं है। मसलन उसकी जो फ्लूडिटी है, या फिर उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत जो है माइनर है, तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रोड हैं वो वेल्डिंग पोजिशन के लिए जो है सूटेबल नहीं है। आर द स्किल लेवल ऑफ द अवेलेबल, आर द स्किल लेवल अवेलेबल, तो या फिर वेल्डर में ही स्किल ना हो कि वो पोजिशन वेल्डिंग कर सके। डबल साइडेड बट वेल्ड प्रिपरेशन, तो प्लेट के दोनों साइड से जो प्रिपरेशन है वो किस वजह से क्यों लगाई जाती है, तो ये हमारे पास डबल बेवल का एक एग्जांपल है। तो डबल बेवल में प्लेट के एक मेंबर को स्मूथ रहने देते हैं बिल्कुल पहले की तरह, तो इसको जो बिल्कुल टच नहीं किया, इस पर कोई ग्राइंड नहीं की, कोई बेवल नहीं लगाई, तो दूसरी प्लेट को दोनों साइड से बेवल लगाई जाती है। देखें ये जो है ना, यहाँ पे दोनों साइड से इसको बेवल जो है कर दिया गया है, तो इसलिए इसे डबल बेवल जो है बट वेल्ड कहेंगे। तो इसके अलावा इसे के बेवल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है बिल्कुल, ये आप देखें कि ये इसकी जो है के शेप की इसकी जो है बनी हुई है। तो नेक्स्ट हमारा है डबल वी, दोनों मेंबर्स को बेवल्स लगाई जाती है, तो इसलिए इसे डबल वी बट ज्वाइंट कहते हैं। और इसके अलावा इसे एक्स ज्वाइंट, एक्स बट ज्वाइंट भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल जो है एक एक्स की जो है शेप का बना होता है, तो इसको एक्स बट ज्वाइंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है डबल जे। तो डबल जे में एक मेंबर उसको स्मूथ रहने देते हैं, ये बिल्कुल स्मूथ है, तो दूसरे साइड पे इसी तरह जिस तरह ये नज़र आ रहा है इसे प्रीपरेशन इसकी की जाती है, तो इसको डबल जे बट वेल बट ज्वाइंट कहेंगे। तो डबल यू में दोनों साइड पे इसी तरीके से जो है इसकी प्रिपरेशन की जाती है, तो इसलिए इसे डबल यू बट ज्वाइंट कहते हैं।
तो ये किस वजह से और क्यों लगाई जाती है, तो इसको अभी हम इसको देखते हैं। तो डबल साइडेड प्रिपरेशंस आर नॉर्मली मेड ऑन थिकर मटेरियल। तो जो डबल प्रिपरेशन है उसको ज़्यादातर थिकर मटेरियल पे इसको लगाया जाता है, जिस मेटल की थिकनेस प्लेट की ज़्यादा हो वहाँ पे इसको डबल को यूज़ किया जाता है। एंड व्हेन एक्सेस फ्रॉम बोथ साइड इज अनरिस्ट्रिक्टेड, और जहाँ पर साइड्स पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, और इसको वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे थिकर मेटल हो और रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। दे मे ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द अफेक्ट ऑफ डिस्टोर्शन, और दोनों साइड की प्रिपरेशन की वजह से मटेरियल में डिस्टोर्शन को भी कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ से अभी हम एंड एंड इन कंट्रोलिंग इकोनॉमिक्स बाय रिड्यूसिंग वेल्ड वॉल्यूम व्हेन वेल्ड थिकर सेक्शन। और इस वजह से इकोनॉमिक्स को भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि डबल बेवल सिंगल बेवल की निस्बत इसमें वेल्ड डिपॉजिट बहुत कम होती है, क्योंकि सिंगल बेवल का साइज बिल्कुल 2 या 3 गुना से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोड की भी बचत होती है यहाँ। तो वो यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि एक तो डिस्टोर्शन का फैक्ट होता है, दूसरा इकोनॉमी उसकी जो है इलेक्ट्रोड वगैरह की बचत होती है, क्योंकि उसका जो वेल्ड वॉल्यूम है वो कम उसकी डिपॉजिट होती है। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड, यहाँ से अभी पढ़ रहे हैं, इट शुड बी नोटेड दैट इज नॉट अनकॉमन टू फाइंड वेल्ड प्रिपरेशन दैट आर ऑफ ए कंपाउंड आर एसिमेट्रिकल नेचर, वैल्यूज एंड एप्लीकेशंस गिवन बिलो आर ओनली टिपिकल। तो यहाँ पे उन्होंने 3 कैटेगरी बेवल की दी हुई है कि किस तरीके से डिस्टोर्शन को भी कंट्रोल हो और वेल्ड वॉल्यूम में भी जो है वो जो है कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले अभी हम जो ये है ये इसकी जो है उसका जो है इलस्ट्रेशन किया हुआ है। तो ए में क्या है, एसिमेट्रिकल 1/3, एंड एसिमेट्रिकल 1/3 प्लस 2/3 प्रिपरेशन सम टाइम यूज टू कंट्रोल रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिस्टोर्शन वेयर एक्सेस टू साइड इज रिस्ट्रिक्टेड, दी 1/3 इज वेल्डर फर्स्ट। वो ये कह रहा है कि एन एसिमेट्रिकल 1/3 प्लस 2/3 प्रिपरेशन समटाइम डिस्टोर्शन को कम करने के लिए लगाई जाती है। जहाँ पर साइड पे रिस्ट्रिक्शन हो, तो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होगी वहाँ पर 1/3 टाइप प्रिपरेशन लगाई जाएगी। तो 1/3 साइड पे सबसे पहले वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे पहले जो है वेल्ड डिपॉजिट करते हैं और अपोजिट पे अगर बाद में करेंगे तो उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेसेस है वो बैलेंस में रहेगी। तो नेक्स्ट हमें है ए कंपाउंड एंगल प्रिपरेशन यूज टू रिड्यूस वेल्ड मेटल कॉस्ट इन थिकर सेक्शन। वो ये कह रहा है कि कंपाउंड एंगल प्रिपरेशन थिकर मटेरियल में वेल्ड मेटल की कास्ट को कम करने के लिए लगाई जाती है। तो यहाँ पे अगर मेटल बहुत ज़्यादा थिकर है, कंपाउंड एंगल प्रिपरेशन यूज टू रिड्यूस वेल्ड मेटल कास्ट इन थिकर सेक्शन। तो वो ये कह रहा है कि कंपाउंड एंगल प्रिपरेशन थिकर मटेरियल में वेल्ड मेटल की कास्ट को कम करने के लिए लगाई जाती है। तो ये ज़्यादातर जो है अगर मेटल बहुत ज़्यादा थिकर है तो उसकी जो वेल्ड मेटल की कास्ट है उसको कम करने के लिए ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है। तो अभी हमारा सी है, एन एसिमेट्रिकल बेवल प्रिपरेशन सम टाइम यूज इन पोजिशनल वेल्डिंग। इसी तरह की प्रिपरेशन सम टाइम वेल्डिंग पोजीशन में जो है यूज़ की जाती है। तो ये यहाँ पे हमारा 2.6 पेज ख़त्म हो रहा है, और ये 2.4 से 2.6 को हमने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।